जिले के माझा थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोटों के कारोबार से जुड़े दो तस्करों को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सदर DSP नरेश पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर माझा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर करबला सड़क पर छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2.5 लाख रुपए की जाली नोट बरामद किया गया है। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट के साथ नोट डबलिंग करने के धंधा के लिए माझा थाना क्षेत्र में आ रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए माझा पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया और दो व्यक्ति को 2.5 लाख रुपया नकली जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है और एक अभियुक्त जिनमें सोनू खान था वह भागने में सफल रहा। इन लोगों के पास से एक मोटरसाइकिल और 2.5 लाख रुपया जाली नोट बरामद हुआ। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? यह गिरफ्तारी माझागढ़ थाना क्षेत्र के परशुराम करवाला के पास से हुई। अभियुक्त कहाँ के रहने वाले हैं? सर, दो अभियुक्त हैं जिसमें एक रुस्तम अली हैं सिकंदरपुर तरवारा जिला सिवान के और मोहम्मद सद्दाम सुल्तानपुर जामो बाजार सिवान के। पहले